हाय गेज वेलकम बैक टू माई चेलर सो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ स्वीट कॉर्न की सब्जी किस तरह से बनाते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है इसके बारे में कि अच्छी लगती है खाने में उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो सब्जी का डेली आपको पता है कुछ समझ आता नहीं है क्या बनाए क्या नहीं बनाए डेली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम यही है कि सब्ज़ी क्या बनाए हैं वही कॉमन सब्ज़ियाँ हैं तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग हो जाएगा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं तो चलिए जल्दी से सब्जी बनाते हैं टाइम वेस्ट ना करते तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चल सब्जी बनाना शुरू सो so, चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक स्वीट कॉर्न अब इसको हमें पूरा इसको साफ़ करना है तो इसके पहले छिलके निकालना तो बहुत ज़्यादा ईजी काम है बट इसके जो अलग अलग दाने निकालने रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है तो मुझे वही उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था तो ये देखिए इसका मतलब बहुत मेहनत लगती है इसको निकालने में काफ़ी लोगों को वो ईजिली निकाल लेते हैं बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको उसको निकालने में सो ये देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुके हैं तो ये सारे मैंने वॉश कर लिए हैं पहले एक बार अच्छे से उसके बाद हम उसको बॉइल्ड वाटर में इसको हम डालेंगे जिससे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और ये देखिए थोड़ा सा उसको ढक रख देंगे और ये टेन टू फिफ्टीन मिनट के लिए इसको रख देंगे और यहाँ मैंने टमाटो दो टमाटो लिए थे उसको मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ अनियन और ग्रीन मिर्ची है तो उसको भी मैंने कर लिया है यहाँ पर मैंने लिया है गार्लिक गार्लिक को हम मैश कर लेंगे अगर आप इसको पेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसका पेस्ट बना सकते हैं तो मैंने ग्राइंड नहीं किया मैंने इसको मैश कर लिया था उसके बाद बस हम ऑयल ले लेंगे और ऑयल में ऑयल को गर्म होने देंगे उसके बाद तो बहुत इजी सब्जी है ये काफ़ी जल्दी बन जाती है सब्जी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो हम तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे अगर आप चाहें तो इसमें घी या बटर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं ग्रेवी के लिए ये मैंने दस से पंद्रह काजू लिए हैं तो इनको एक मैंने बार मैंने वॉश कर लिया था उसके बाद थोड़ा सा हम इसको गर्म पानी में काजू को हल्का सा गर्म करेंगे जिससे कि उसकी प्योरी अच्छे से बन जाए तो यहाँ पर ये देखिए आप तेल गर्म हो चुका है ज़ीरा डाल दिया है अब हम इसमें हींग और मिर्च ये सब ऐड करेंगे तो यहाँ मैंने हींग इसमें ऐड कर दी उसके बाद हम जो चॉप किया हुआ अनियन है मिर्ची है और टमाटो है वो सब हम इसमें ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से न, मिक्स करेंगे और ये देखिए यहाँ पर पहले मैंने गार्लिक डाला है गार्लिक को बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं वरना उसका जलने वाला फ्लेवर आने लगता है तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे उसके बाद मिर्च ऐड कर देंगे मिर्च और जो चॉप किया हुआ अनियन है वो हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पकाना है और फिर ये मैंने ग्राइंड कर दिया था अदरक इसमें अदरक भी देखिए यहाँ पर मैंने क्रश कर दिया सॉरी ग्राइंड नहीं तो इसको भी पकाना है मैंने आप चाहें तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं मैंने पेस्ट नहीं बनाया था क्योंकि मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ये बना रही थी ना इसलिए जब जा हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो फिर इसको ग्राइंड करके हम डाल सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अब ये थोड़ा सा पकने में टाइम लेगा इसके बाद हम जब तक देखते हैं कि ये काजू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं नहीं तो यहाँ पर देखिए पानी में बॉयल आ गया है तो इतना ही करना है कि पानी में बॉइल आ जाए उसके बाद बस हम इसको अब ऑफ कर देंगे और ये मेरे अभी चल ही रहा है इसका स्वीट कॉर्न अभी बॉयल हो ही रहे हैं मैंने इसको चेक किया तो अभी इसमें थोड़ा सा और इसको करना बाकी है उस इसके बाद बस इसकी प्रोसेस यही चलती रहेगी अब मैं इसको भी ऑफ कर दूंगी यहाँ पर और उसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है काजू को उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करना है यहाँ हम सारे स्पाइसीज़ ऐड कर देंगे आ, मिर्च धनिया हल्दी जो भी आप चाहते हैं वो सब अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ना स्पाइसी को ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि ये जैसे आपको पता है कि कॉर्न मीठे होते हैं और फिर साथ में इसमें थोड़ी सी काजू की ग्रेवी भी मिक्स होगी तो ये थोड़े से मतलब मीठा हो जाता है इसका फ़्लेवर तो इसलिए इसमें आप नमक और मिर्च हल्का सा ज़्यादा रखें जितना आप खाते हैं ना उससे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखें तभी इसका फ्लेवर सही आएगा सब्जी का सो टेस्ट आ, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल मेरा मतलब जैसा चाहिए थी ग्रेवी वैसे ही तैयार हो गई है अभी इसके बाद यहाँ मैंने टमाटो मिक्स कर दिए हैं टमाटो भी अब टमाटर अब अच्छी तरह से पकाना है उसके बाद हम काजू की ग्रेवी डालेंगे इसका खट्टापन दूर करने के लिए तो यहाँ पर पहले काजू भी ये देखिए काजू के भी यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और काजू ग्राइंड होने के बाद मैंने इसमें मैं इसमें मतलब सूट करना भूल गई थी ये देखिए इसकी बिल्कुल पेस्ट तैयार है मैंने इसके बीच में कोकोनट uh, का जो फ्लेवर मतलब कोकोनट का मैंने पाउडर है वो भी मैंने इसमें ऐड किया था तो काजू के साथ ही पर वो मैं इसमें सूट करना भूल गई थी तो थोड़ा सा कोकोनट का पाउडर और ये काजू आप इसमें ग्राइंड करके आराम से इसमें डालिए तो सब्जी का टेक्सचर ही चेंज हो जाता है तो ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे आ, टेस्ट इसकी मतलब जो ग्रेवी थी ना बहुत अच्छी लगती है तो ये सब मैं अब ये हल्की सी में क्रीम है वो मैं इसमें फ्रेश क्रीम वो मैं में ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं वो मैंने थोड़ी सी बीच में डाल दी है फिर बाद में पता नहीं मैं डालूँगी नहीं मैंने यहाँ पर बीच में भी इसमें मिक्स कर दी है थोड़ी सी फ्रेश क्रीम तो उसका ना टेस्ट अच्छा लगता है तो यहाँ पर देखिए इसका तो ग्रेवी एकदम रेडी है स्वीट कॉर्न डालने के लिए तो यहाँ पर मैंने ये कॉर्न अब डाल दिए हैं इसमें और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इतना मैंने इसको टेस्ट किया ना तो बहुत ही मीठा लग रहा था और इसकी ग्रेवी भी बहुत क्रीमी क्रीमी लग रही है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की सो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए अब ऑलमोस्ट सब्ज़ी बन गई है ये, ये जो हम डालते हैं ना मतलब कौन ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ही डालते हैं जब सब्जी की एकदम ग्रेवी तैयार हो चुकी होती है क्योंकि इसको ज़्यादा पकाना नहीं रहता है ऑलरेडी ये बॉयल हुए हैं इसलिए तो ये देखिए और साफ पानी एकदम लीजिए वही पानी को इसमें ऐड कर सकते हैं तो मैंने वही पानी इसमें मिक्स कर दिया था जिससे कि उसका फ्लेवर सब्जी में ही रहे आ, सो देखिए तो इस और अब इसके बाद मैं इसमें सब्ज़ी में बाकी सब कुछ इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए अब लास्ट है कसूरी मेथी कसूरी मेथी को वैसे भी हम डाल सकते हैं पर मैं थोड़ा सा इस पर तवे पर इसको हल्का सा गर्म करती हूँ एक मिनट के लिए इससे ना टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी में तो मैं इस, मैं इसमें इसको ना एक मिनट के लिए ही चलाऊँगी और इसको क्रश करके इसमें सब्ज़ी में मैं मिक्स कर दूँगी तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है तो आप बस एक मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर इसको सेकना रहता है और इसके बाद देखिए इसमें बॉईल आ गया है सब्जी में और बस अब सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर दिया है सब्जी बहुत ही टेस्टी है और इजी सबसे अच्छी बात है कि इजी बहुत ही जल्दी भी बन जाती है ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होता है गार्निशिंग के लिए इसमें हम मिक्स करेंगे ऐड करेंगे तो ये इसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट वाला आएगा सो देखिए यहाँ पर मैंने इस गार्निशिंग के लिए इसमें डाल दिया है आप कुछ भी बनाते हैं ना कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी रेसिपी बनाते हैं उसमें पनीर को क्रश करके डालते हैं ना तो इसका टेस्ट ही अलग आता है तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी सब्जी होगी सो फाइनली सब्जी अब रेडी है और देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है सब्जी देखने में और मैं खाऊंगी उसके बाद पता चलेगा कि टेस्ट में कैसी है तो अब जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप और जरूर सब्जी को ट्राई कीजिए कैसी लगी की जरूर ये है मेरी ये मैंने साथ में सब्जी कर ली है दही ले लिया है और ये मैंने चपाती ले ली है सादा खाना सिंपल खाना हेल्दी खाना, खाना के है। फ्री हो गए हैं आज तो मजा आ गया खाने में मैं तो आपको भी बोलूंगा एक बार आप ये सब्जी जरूर ट्राई करें काफी दिन हो गए थे वही बिना मसाले की फीकी फाकी खा के क्योंकि आपको पता है डॉक्टर ने मना किया था बट आज मैंने कहा कि आज तो मेरे को कुछ अच्छा बना के खिलाई दे क्योंकि तो मैं पक गया सच में वो फीकी फांकी सब्जियां खाके तो आज ने नेहा ने मेरे कहने पे ये सब्जी बनाई और सच में बहुत अच्छी बनी है सब्जी अब मैं तो आपको बोलूंगा एक बार आप खुद ट्राई करें उसके बाद आपको पता चलेगा कितनी अच्छी बनती है ये सब्जी सर कि आपने देखा सब्जी बन गई थी उसके बाद हम लंच करने बैठ गए और अब मुझे याद नहीं रहा क्योंकि इतनी ज्यादा भूख लग रही थी तो हम लोगों ने सूट करना भूल गए हैं तो हमने सोचा मुझे सबड़ नहीं हुआ <laughs> बात। हाँ ये बेचारे कब से तरस रहे थे तो गाइज आप ये मत समझना कि मैंने इनको पूरा भर भर के दिया है मैंने लिमिट से इनको दिया था और एक सिंपल सब्जी भी बनाई थी दाल तो उससे इन्होंने खा लिया बस आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर करना ना भूल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द